व्हाट्स अप गाइस, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए फनी होने वाली है फ्रॉम द चैनल बैज 99। और जो टाइटल है बैज 99 ट्रोलिंग रैंडम प्लेयर्स। जब रैंडम प्लेयर्स को भाई छेड़ेगा मजा आने वाला है भाई। तो और मैं भी दिन में थोड़ा ऑनलाइन बैठा करूंगी, क्या पता नंबर लग जाए मेरा। और भाई बहुत मस्त तरीके से जो फनी मोमेंट्स होते हैं हमेशा उनकी आवाज में, तो मजा आता है। तो काफी टाइम से रिक्वेस्ट थी कि इनके फनी वीडियोस पे और रिएक्ट करो, तो और एंजॉय करते हैं साथ में। रेडी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन, बैज 99 ओपी इन द कमेंट लिख देना दोस्तों। और लाइक करना मत भूलना, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मेरे दिमाग में थोड़ा नया आइडिया आया। आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक रैंडमली मैच शुरू करते हैं मेरी सेकंड आईडी से, क्योंकि फर्स्ट आईडी में तो लोग पहचान नहीं लेते हैं। सेकंड आईडी से मैं रैंडम प्लेयर्स के साथ जाऊंगा और फिर देखेंगे क्या वो मुझको पहचान पाते हैं या नहीं। अगर पहचान लेते हैं तो उसके बाद मैं ऐसा रिएक्ट करूंगा कि मैं एक स्कैमर हूं, मैं आईडी स्कैम करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद देखेंगे कि क्या वो अलर्ट है या फिर अपनी आईडी इजीली दे देंगे अगर विश्वास उन्होंने कर लिया कि बैज 99 हूं। क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी, आई होप कि उसमें काफी लोग अलर्ट हो गए होंगे। तो आज हम वो रैंडम प्लेयर्स के साथ टेस्ट करने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। तो यार बैज 99 को पहचान ले वही काफी है। तो चलो यार जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू। ओके तो गाइस, ओके आ गए हम लोग मैदान पे। तो देखते हैं यार, आवाज से वैसे पहचान तो लेंगे, लेकिन देखते हैं रिएक्शन क्या रहता है। ठीक है, आईडी वगैरह सब कुछ चेंज है। एम्पासो ले ली क्या मैंने? ओ हो, G18 लेनी चाहिए। चलो भाई देखते हैं। एस किलर सुपरमैन, सुपमैन। हेलो गाइस, नंबर वन। अरे नहीं, नंबर वन तो मैं ही हूँ यार। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। भाई लोग चाय पानी कैसा चल रहा है? मैं बैच 99 हूँ भाई। बोल ही नहीं रहा, आवाज आ रही है? क्यों मैं चले रहा, मैं क्या मैं नरेंद्र मोदी, तुम बैज 99 हो। डायलॉग भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, जहरी था मतलब भाई साहब कुछ भी। अरे भाई मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, मेरी आवाज से नहीं लग, हम भी मजाक थोड़ी कर रहे हैं, मेरी आवाज से नहीं लग रहा क्या? नहीं भाई, कोई भी आवाज कॉपी कर लेता, आप क्या भरोसा? मैं सुपरमैन हूँ बोल रहा हूँ। अरे तू तो सुपरमैन भी खेल रहा है, सुपरमैन है यार, सुपरमैन थोड़ी है। सुपरमैन, अरे भाई सुपरमैन सुपरमैन एक ही तो होता है यार। क्या बात है, तुम्हारी आईडी मुझे तो यही, तुम्हारी आईडी की स्कैम करूंगा यार मैं, मेरे पास खुद की आईडी है। आईडी स्कैम कर भाई, तुम लोग तो बड़ा खतरनाक खेल लो यार। और क्या, हम प्रो हैं। क्या बात है, हम प्रो हैं। प्रो हैं हम। पता क्या कि हम प्रो हैं। अच्छा तो मुझे विश्वास क्यों नहीं आ रहा, ये तो बताओ, विश्वास का कुछ तो रीजन होगा। इतनी बढ़िया आवाज निकाल रहा हूँ मैं, निकाल रहा हूँ। अरे आवाज अब कोई भी निकाल लेता है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है भाई सुपरमैन ही आईडी स्कैम करने आया। चल तू एक बार तुम निकाल के दिखाओ भाई, कोई भी निकाल लेता है कह रहे हो। क्या करके दिखाओ, आवाज निकाल के दिखाओ। किसकी? नरेंद्र, तुम बोले थे तुम नरेंद्र मोदी हो, आवाज वगैरह निकालो। भाषण दूंगा तब निकालूंगा। अच्छा ये भी ठीक है। वैसे मैं सच में बैज 99 हूं यार। तो भाई हम भी तो बोल रहे हैं, एक सुपरमैन है, एक नरेंद्र मोदी है। ये और फायदे भाई, सुपरमैन की चड्डी खुल गई यार, जल्दी आओ। काय 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 भाई, सुपरमैन 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 मेरे पीछे है एक आदमी। तू बेस नहीं, देखो तू तू बैज 99 है तो पूरी स्क्वाड मार के दिखा दे जल्दी से। What? जल्दी से। आर यू कॉमेडी मी? अरे वाह, मतलब प्रूफ करना पड़ेगा। नहीं फिर तो मैं बैज, फिर तो मैं बैज 99 नहीं हूँ यार। खेलते रहते हैं करके, ये मेरे करेक्टर को क्या हुआ, ये मेरे करेक्टर को क्या हो गया भाई? 99 कौन है अब? ये पैरालाइज हो गया मेरा कैरेक्टर यार, पैरालाइज स्टैच्यू बन गया साला। बैज 99 पता चल गया भाई, अब कौन है? इसको भाई टपाटप हेडशॉट मारो यार। सुपरमैन की चड्डी खुल गया, मैंने कितनी बार सुपरमैन है। अबे भाई ये गोली करता है, रुको सुपरमैन तुम्हारी चड्डी नहीं फटने देगा।
तुम्हारी चड्डी नहीं फटने देंगे। चड्डी नहीं फटने, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। अच्छा मेरे को, मैं सच में ओरिजिनल नहीं हूँ यार, तुम लोग सही कह रहे हो मैं, लेकिन मेरी आवाज तो मैच हो रही है ना। तुमको भूया वो भाई सब डाउन हो गए, जा भाई बचा ले। अरे गाइस यार, तुम लोग तो बड़ा खतरनाक खेले थे, कैसे मर गए यार? हम भी नो प्लेयर हैं। तो आइंदा से मेरे नाद में मत लग, समझा? यार मुझको भी वैसे आलोक चाहिए था, मेरे से मतलब बहुत लोग बोले थे कि तुम्हारी आवाज बैच 99 से मैच होती है, तो मैंने सोचा तुम लोग की मैं आईडी स्कैम करूंगा, लेकिन तुम तो बहुत चतुर हो यार। क्या बात है, हमें पता है लगता है तुम लोग की आईडी स्कैम हो चुकी है शायद, पहले या तुम्हारे दोस्त मेरी हो चुकी है एक बार, अब नहीं होने देना भाई। इतने मुश्किल से आईडी बनाते हैं और एक बंदा आके स्कैम मार देगा, अलग ही सीन लगता है ये। अबे पीछे चला, पेट दिया भाई, पीछे भी है, पीछे भी है। ओ भाई जहरी खेल रहा भाई तुम, ओ तंदूर का दिया तेरी भी चट्टी फाड़ दी भाई। ये तो नाम की सुपरमैन है भाई, हर बार नॉक हो जा रहे हैं। इसकी भी चड्डी फाड़ दी भाई, सुपरमैन की भी चड्डी फाड़ दी। एक बैच 99, ये नंबर 3 भी तुम्हारा दोस्त है क्या? ये बोल क्यों नहीं रहा है? नहीं, अरे ये क्या हो गया, क्या हमारा प्लेयर है? अच्छा, मैं हम तो क्या सब रैंडम है मतलब। हाँ, हम बस दो ही, हम ही दो थे बस। ये सुपरमैन तो नाम का सुपर है यार, ये देखो उसको जीरो किल है। भाई मैं नूब कहाँ हूँ यार, मैं नूब लग रहा हूँ क्या? क्या क्या कर रहे? मैं तुमको बोल ही रहा हूँ मैं बैज 99 हूँ, विश्वास नहीं कर रहा फिर यार। शुरू कर दिया भाई ने। अरे यार ऐसे ही ऐरा गहरा नथू गहरा बोलने लग गया तो क्या हो जाएगा? मान नहीं रहे, लेकिन एक चीज है, बैच 99 बनने लगे था। मैंने ना वैसे हर मैच में हमें अद्दू भाई मिलेगा भाई, अगले मैच में सुपरमैन सुपरमैन तो हर बार मर जाता। स्कैम करने की कोशिश करी यार, तुम लोग तो स्मार्ट हो भाई। वो देख देख, गेम प्ले एकदम तगड़ी है, आलोक भी नहीं है और बोल रहा बैच 99 आवाज बेशक मैच करी भाई, मुझे लग रहा है आईडी स्कैम मारने आया है। भाई आजकल तो आईडी स्कैमर बहुत घूम रहे हैं भाई, डबल वेक्टर है इसके पास पीछे, थोड़ा डैमेज है भाई, एक फटका देना था। अरे यार मेरा नेट यार, क्या बोलूं, अरे सुपरमैन आज थोड़ा भाई इसके, देखो यहां इस साइड में है दो बंदे भाई, किलर भाई एक बोल का डबल डबल। अरे भाई आ जा भाई लास्ट गेम है। अरे बिल्कुल मैच खा रही है अब, गेम प्ले भी एकदम तगड़ी है भाई, नंबर 3 एकदम सदमे में आ गया भाई, एनिमी आ गया बोल रहा है, विश्वास हो भी रहा है इनको थोड़ा थोड़ा, लेकिन डर भी रहे हैं। नंबर 3 के भी माइक खुल गई भाई आज, सामने मेरे एक पीछे सारा कुछ नहीं भाई। ओके भाई
जैसे क्रोनो डॉक्टर सामने है, खुला खुला रास्ता। सुपरमैन तो सुपरमैन तो यार क्या ही बोले। सबसे पहले सुपरमैन एनर्जी खत्म हो गई। चलो कोई नहीं गाइस, फिर से इनवाइट करोगे तो आओगे क्या? चलो देख लेते हैं, तुम्हारे गेम प्ले के हिसाब से तो सही लग रहे थे तुम। आर यू कॉमेडी मी? तो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लोगे मतलब? सुपरमैन ने एक भी किल नहीं किया। देखते हैं भाई। भाई सुपरमैन के तो जीरो किल है यार। सुपरमैन आर यू कॉमेडी? ओके गाइस, यार बंदे काफी अलर्ट थे, इनको बोले बुला लेते हैं और फिर इनको बताते हैं कि वैसे विश्वास तो कर नहीं रहे। और भाई हेलो, हाय यार तुम तो सही खेले वैसे, लेकिन दोनों बराबर में रह गए ना, 6-6। हाँ किल बराबर थी। तुम्हारा वो कहाँ गया सुपरमैन? सुपरमैन की तो चड्डी खोल दी यार वहाँ पे। नेट हैक नहीं चल रहा था क्या? एक बात बताऊं? बता। देखो एक बार मेरा लेवल देखो, तुम कितना दिख रहा है? लेवल तुम्हारा है 44। और 44 लेवल के हिसाब से गेम प्ले था क्या? बिल्कुल नहीं, आराम। क्योंकि गाइस मैं असल में भी बैच 99 हूँ, असली में मैं बस एक वीडियो बना रहा था रैंडमली कि क्या कोई अपनी आईडी देता है नहीं देता है, एक मैं वो ट्राई कर रहा था। तो वेरी नाइस यार, मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग अवेयर उसको लेके। तुम लोग कुछ कहना चाहोगे तो बता दो। मैं तुम्हें से एक बोला था तुम्हारी आईडी स्कैम हो गई है। सच में बैच 99 हो क्या? हाँ रियल में। अरे मैं आज वीडियो डालूंगा तो विश्वास हो जाएगा यार तुमको। ओ भाई भाई यार बैज 99 यार, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। चलो तुमने तो भेज ही दी थी भाई, आपने भेज दी थी, मैंने कर ली। तो तुम में से कोई कह रहा था तुम्हारी एक आईडी स्कैम हो गई थी करके? सच में हुई थी? खाली मजाक कर रहे थे गाइस। किसी को भी आईडी मत देना ऐसे। मेरी 2 साल की प्रोग्रेस पिछले हफ्ते आईडी हैक हो गई थी मेरी, किसी ने अज्जू भाई की आवाज निकाल के। सो गाइस मैंने आईडी पासवर्ड दे दिया था उसे। बच्चे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं बहुत जल्दी। अच्छा तभी तुम लोग इतना अलर्ट हो। चलो नाइस यार गाइस, तो अच्छी बात है कि अभी तुम लोग अलर्ट हो गए हो, अभी बाकी व्यूअर्स भी अलर्ट हो जाएंगे तुम लोग को देख के। बाकी 2 साल की प्रोग्रेस चलेगी हाथ से भाई, बहुत दुख हुआ होगा जिंदगी में। नींद ही नहीं आई उस रात। नहीं चलो कोई नहीं, अभी एहसास हो गया तुम्हें गलती का। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक ले यार नाइस, तुम लोग ने भी अच्छा खेला, बस सुपरमैन का सूप निकल गया वहां पे। वो देख क्या लगाया सुपरमैन। सुपरमैन अच्छा खेलता था शायद लास्ट में बच जाते। चलो कोई नहीं, एनीवे आज हम वीडियो डाल देंगे, ठीक है? ओके 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 बाय। ओके ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू। ये जो वीडियोस बनाते हैं ना भाई, ये रैंडम लोगों के साथ फनी वे में इंटरेक्ट करके प्लस मस्ती मजाक करके, लेकिन साथ में मैसेज जरूर देते हैं कि आपको आईडी, और बहुत लोग जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ के अंदर। अच्छा लगा मेरे को, इन लोगों को पता था जो थे कि आईडी नहीं देनी, क्योंकि कई आज भी क्या होता है, हम भी देखते हैं लाइव स्ट्रीम करते हैं या फिर हमारे कमेंट्स आते हैं, लोग लिखते हैं भैया मेरी आईडी हैक हो गई क्या करूँ। क्या होता है कि बच्चे हैं क्या, बहुत सारे बच्चे जो आज 5th-7th क्लास में होते हैं वो खेलते हैं, प्लस विश्वास कर लेते हैं दूसरों पे, विश्वास कर लेते हैं कि भाई ये हाँ ये टॉप अप कर देंगे, कुछ आईडी पासवर्ड देते हैं, हैक हो जाती है उनकी। इन चीज़ों से दूर रहो यार, क्योंकि आपको कोई भी अगर आपसे पासवर्ड मांग लेता है तो वो कुछ नहीं करता ना, आपको जीमेल आईडी पासवर्ड देना। पासवर्ड तभी तो है क्योंकि वो शेयर ही नहीं करना किसी से। हाँ बैच वो खाली गेमिंग का नहीं, कैसा भी पासवर्ड देना ही नहीं है किसी को, नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। और ये चीज अच्छी लग रही है मेरे को, बैच भाई ना इनिशिएटिव ले रहे हैं कि लोगों को अवेयर करने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो खेलते हैं इनको देख के इंस्पायर भी होते हैं, और एक जो आपके लिए इंस्पिरेशन मोटिवेशन हो या जिसका गेम प्ले आप एंजॉय करते हो, वो आपको साथ ही साथ इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बताता है गेम के बारे में, मस्ती मजाक के साथ वीडियो एंटरटेन करते करते आप लोग को एक चीज पता लगी भाई, तो आईडी आपकी हैक हो सकती है, बहुत स्कैमर्स हैं। और अगर आप प्रोग्रेस, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा भी लगाते हैं इसके अंदर, पेरेंट्स से लेते हैं कि बाबा एक आईडी लेनी है या फिर ये वाला आया है कैरेक्टर, इसकी स्किन लेनी है, उसके डायमंड्स खरीदते हैं पैसों से फिर करते हैं, और फिर एकदम से कोई आता है वक्त और जज्बा बदल जाता है। तो ये चीज, ये बहुत बढ़िया बात करी भाई ने, और जिस तरीके से विश्वास नहीं कर रहा था ना, मैं इंप्रेस था मैं लोगों से, क्योंकि आवाज कोई भी, हमारे साथ भी एक दो लोग खेलते हैं जो आवाज निकालते हैं बिल्कुल बैच 99, लेकिन वो खुद ही बता दिया था उन्होंने। हाँ तो यही चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को सतर्क और सावधान रहना है, वरना क्या बोलते हैं फिर
आप जो जो भी फ्री फायर खेलते हैं उनको पता है कितनी मेहनत लगती है एक लेवल रीच करने में, और प्लस उसमें कई सारी चीज़ें परचेज भी करते हैं डायमंड से लेकर, तो वो बहुत अपसेटिंग होता है और फिर अच्छा नहीं लगता है, मूड भी सड़ जाता है बच्चों का भी, हर एक का, चाहे वो कॉलेज गोइंग कोई भी, या आईडी चाहे आपकी फेसबुक की हैक हो या इंस्टाग्राम की हैक हो, कोई भी जीमेल आईडी, आपको परेशानी होती है, इसीलिए इन चीज़ों से बच के रहो और मस्ती वीडियोस आप एंजॉय कर सकते हो बैच भाई के चैनल पर। बाकी और वीडियोस आप सजेस्ट कर सकते हो एक बार बैच 90 भाई ओपी हो जाए कमेंट में। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, टेक केयर।